हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकृत जैन। और ना यार, क्या इंस्टाग्राम पे ना मैं रील्स बनाता रहता हूँ, कोई भी मुद्दा या कोई भी टॉपिक आपको समझाना होता है और वो छोटा होता है तो मैं रील बना देता हूँ। लेकिन ना किसी किसी चीज़ों के अंदर थोड़ा लंबा वीडियो बनने की मतलब होता है और मुझे आपको समझाना होता है, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना देता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ अपनी हैबिट में लानी है तो उसका क्या तरीका है। सबको पता है यार, सुबह उठना अच्छी बात है, सुबह एक्सरसाइज के लिए तक जाना अच्छी बात है, जिम या कुछ भी। तो ना उसके लिए तरीका सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, उठने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कैसे उठना है सुबह, मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है पहले, आप वो देख सकते हो। लेकिन अब क्या है, आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए जाना कैसे है, तो ना उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे दिन में होते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि 7 AM पे मेरे को जिम पहुंचना है या जुम्बा क्लास पहुंचना है, योगा क्लास पहुंचना है। हम ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं 7 AM। तो क्या है, आप 24 घंटे में ना 7 AM का एक ये चीज़ बस बांध लो। बांध लो मतलब ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चीज आपको 7 बजे करनी ही है। तभी आप अपनी लाइफ के अंदर ना चीजें हैबिट्स डेवलप कर पाओगे। एक से स्टार्ट करो, आपको 7 बजे वहां पहुंचना है तो अपने आप ही आपका रिवर्स मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको ब्लैक कॉफी लेनी है या कुछ भी लेना है, कितने बजे आपको स्कूटी पे बैठना है और वो स्कूटी से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या कार जो भी है या पैदल जाना है आपको, तो ये सब रिवर्स मैकेनिज्म अपने आप। उसी जब उठोगे ना, उससे पहले कितने घंटे आपको सोना है तो आप सोओगे उस टाइम पे, फिर कितने टाइम तक आपको डिनर कर लेना है। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ डिसाइड कर लो 24 घंटे में कि ये काम आपको इस टाइम पे करना है। और आप कहते हो कि नहीं यार, मैं अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज नहीं करना चाहता या जो भी है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एक ड्यूटी फिक्स कर लो। काम फिक्स मत करो, काम तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ड्यूटी के 2 बजे दिन के मुझे ये चीज़ करनी ही है, 6 बजे शाम के मुझे ये चीज़ करनी ही है। सिर्फ एक चीज़ आप डिसाइड कीजिए, देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। सिर्फ एक चीज़। और बात आई ड्यूटीज़ की, तो मैंने रील बनाई थी ड्यूटीज़ के ऊपर। तो कोई भी आपको काम करने का मन ना हो, मूड ना हो ना, उसे ड्यूटी समझ लीजिए यार, छोटी छोटी ड्यूटी। अब जैसे मैं आपको 5-6 एग्जांपल जल्दी बताऊंगा छोटे छोटे जो मैंने अपने अंदर डेवलप किए है। तो जैसे भाई, यहाँ पे हमारी दुकान है सी ब्लॉक मार्केट में, तो सब लोग सामान बाहर रख देते हैं। तो भाई ड्यूटी, मैंने तो ड्यूटी बना लिया, मैं दुकान के बाहर सामान रखूंगा ही नहीं, बाहर कूड़ा नहीं फेंकूंगा, रेड लाइट पे रुकूंगा, ये छोटी छोटी ड्यूटीज है, रॉन्ग टर्न नहीं लूंगा। ये ड्यूटीज आप यदि बनाओगे तो वो आपके लिए ही बेहतर है, आप समझ रहे हैं ना। टैक्स पे करूंगा टाइमली, यार जो जो कर रहा है ना करने दो, आप अपने से मतलब रखो। भाई वो नहीं कर रहा, वो सामान बाहर लगा रहा है, मैं भी लगाऊं, नहीं कोई फायदा नहीं। तो ड्यूटीज को फॉलो करो, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा उसे छोड़ दो, और पूरे दिन में 24 घंटे में कोई भी एक चीज डिसाइड कर लो कि उस टाइम पे करनी ही है। और उसके बाद ना धीरे धीरे वो एक चीज से दो चीज से तीन चीज, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि पूरे 24 घंटे आपके प्लान हो जाएंगे। एक दिन पहले ही आप सोच के सोओगे, मैं इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, ऐसे करूंगा, और बहुत सही हो जाएगा। कभी कभार ठीक है, आपकी छुट्टी है या आपका मन नहीं कर रहा उस चीज़ को फॉलो करने का, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन आप स्टार्टिंग कीजिए, 6 डेज अ वीक कीजिए, उसके बाद ये धीरे धीरे हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरी ज़िंदगी में तो बदलाव देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर बस मैंने ये सोच लिया था कि 7 बजे मुझे जिम पहुँचना ही है, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे ट्रेनर आए ना आए, या मतलब कोई भी रीज़न हो, मुझे 7 बजे पहुंचना ही है।
धीरे धीरे उसे एक चीज से लेके ना आज क्या है सब धीरे धीरे सब चीजें सेट हो गई है मेरी। तो मतलब मेरा खाने का टाइम सेट है, मेरा फ्रूट्स का टाइम सेट है, मेरा शाम की टी का टाइम सेट है, मेरा डिनर का टाइम सेट है, मेरा सुबह उठने का टाइम सेट है, मेरा सुबह क्लास जाने का टाइम सेट है, मेरा दुकान पे आने का टाइम सेट है, दुकान से जाने का टाइम सेट है, सब चीज़ें सेट ऑलरेडी। ठीक है, तो फॉलो कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कोई और राय आपको समझ में आती है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, जिससे जो जनता ये वीडियो देखे उसे और भी उस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।